मुझे नहीं पता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन सेफ है, क्यों कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े डिसेंट लगेंगे। आपने मुझे खाना बनाना सिखाया राजू को तो नहीं सिखाया, क्यों मेरा चाय बनाना आप लोगों के लिए प्रेस्टीज इशू क्यों है। राजू से तो सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, तो मेरे साथ सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, जो मर्जी कर लूं, बनूंगी तो एंड में किसी की हाउसवाइफ ही ना, काम तो खाना और बर्तन का ही है, तो क्यों पढ़ूं फिर मैं इतना, क्यों मेहनत करूं? से पूछे कैसे हो, ठीक हो, उदास लगते हो, तो बस हंस के टाल देते हैं। अरे हम मर्द हैं, ऐसे सवालों को मजाक में उछाल देते, पर दर्द तो हमें भी होता है, दुखी हो तो मर्द भी रोता है। हाँ हमारे लिए कहना जरा मुश्किल होता है, बचपन में सीखा है ना मैन अप, मर्द बन, लड़का होके रोता है। दुख दर्द बांटने का हमारे पास वक्त नहीं, और जो ऐसा कर ले वो लौंडा सख्त नहीं, तो बस मान लिया, अब कुछ नहीं बोलेंगे, परेशानी हुई दर्द हुआ तो सह लेंगे। पर बचपन में चोट लगने पर तो रोए थे हम भी, अपना फेवरेट खिलौना टूटने पर माँ के आंचल में सोए थे हम। तो आज क्यों आंसू छुपा लिए, कहां सारे जज्बात दबा लिए, ये माचो और स्टट के टाइटल लेके कब तक इतराएंगे? अपने को भी दुख होता है, किसी ना किसी को तो बताएंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, ये किसी को जेंडर देख के नहीं होता, दुनिया में कोई बेवजह नहीं रोता। अब अगर आंसू आए तो बहा देंगे, अब अगर दर्द हुआ तो कह देंगे, चौड़े कंधे ऊंचा सर ताब में मुझे, अब जब कोई हमसे पूछे कैसे हो, ठीक हो, उदास लगते हो, तो मुस्कुरा के वी वोंट जस्ट शट अप, फॉर वंस लेट्स डिसाइड टू नॉट मैन।